हाय दोस्तों, कैसे हो सभी? आप लोग सभी बढ़िया होंगे आई होप, और मैं भी बढ़िया हूँ भाई। इस वीडियो में एक काम की चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने एक चीज़ तैयार की है आप लोगों की, बहुत बेहतरीन। मैं शुरुआत में बता दे रहा हूँ वो क्या चीज़ है। देखो भाई, ये GS के लिए मैंने तैयार किया है भाई। टोटल SSC एग्जाम्स में जो भी पूछा जाता है कितना क्या वेटेज रहता है किस सब्जेक्ट का और कहाँ से आपको करना है कवर, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। 3% मिड हिस्ट्री वाला आता है आपका, ठीक है। इसके बाद देखो 4% मॉडर्न हिस्ट्री वाला आता है, ठीक है। इसके बाद देखो 5% आर्ट एंड कल्चर वाला आता है। भाई पूरा बना के दे रखा है, मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में काम की चीज़ क्या होने वाली है, देखो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को। जो SSC MTS CPO CGL है ना, जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं SSC के खासकर, तो उनमें क्या पैटर्न रहा है, किस कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक, ठीक है। तो उस बेसिस पर मैंने पूरा तैयार किया है और आपको कहाँ से करना है ये भी पूरा मैंने तैयार कर रखा है। अब देखो भाई, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको सामने ये दिख रहा होगा हाउ टू कवर SSC जनरल अवेयरनेस, खासकर जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो आ रहा है। और भाई देखो GS में नंबर कैसे लाएं, भाई GS में दिक्कत आती है, सभी को आती है, मुझे भी पता है सभी को आती है दिक्कत, आप लोगों को आपके फ्रेंड्स को भी आती होगी। अब क्या होता है ना GS में, भाई GS में क्या होता है कि आप कितना भी पढ़ लो स्कोरिंग आपकी उतनी ही है पाती है, 50-60% क्वेश्चन मतलब हो पाते हैं उसमें, ज़्यादा खिंच नहीं पाते। अब वो रीजंस क्या है उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो भाई पहले तो ये देखो, आप मैं बताने का वाला हूँ इसमें। पहले देखो मैंने हिस्ट्री वाला टॉपिक पकड़ा, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक पकड़ा, इसमें 17% वेटेज है SSC के सारे एग्जाम्स में, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री का 4% वेटेज है, ठीक है, इतना ज़्यादा खास नहीं है। अब देखो भाई ये आपको दोनों बुक्स दिख रही होंगी, किरण की एक जनरल नॉलेज अवेयरनेस की है, ये थ्योरी की वाली बुक है, ठीक है, NCERT बेस्ड जो आती है, वन लाइनर अप्रोच वाली, ठीक है। और ये आपकी जो है MCQs वाली बुक है, ठीक है। अब इन दोनों को आपको करना कैसे है, मतलब GS आपकी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप जो आप रीजनिंग मैथ में प्रैक्टिस करके जाते हो और 100% एक्यूरेट क्वेश्चन करके आते हो, वैसे ही आपका चीज़ होने वाली है। मतलब 80% तक आप GS में स्कोर कर सकते हो, 90% तक भी कर सकते हो। तो भाई ये कुछ इसमें दे रखा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया आप लोगों को, देखो किरण की जो पहली वाली बुक है सामान्य ज्ञान वाली, ये वाली बुक है, ये इंग्लिश में हिंदी में भी मिल जाएगी आपको। इसमें से क्या करना है, आपको थ्योरी कवर करना है, तो थ्योरी कवर करना है, ठीक है। टॉपिक और टाइप्स वाइज एज मेंशन्ड इन किरण, ठीक है, ये मैंने टॉपिक वाइज और पेज नंबर भी लिख दिया है, ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो। अब देखो भाई टाइप वन आता है इसमें, टाइप वन 22% आउट ऑफ 100, ठीक है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें है क्या। देखो भाई पेज नंबर 16 है ना, पेज नंबर 16 आपका दे रखा है, ये रहा यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री वाला पेज नंबर 16-33 लगभग, ठीक है। तो ये 33 पेज नंबर तक आपको, यहाँ तक लगभग ये 33 पेज नंबर है, यहाँ तक आपको कवर करना है। और ये कवर करने के बाद आपको MCQs लगाने हैं किरण की बुक में से, GS वाली जो ये वाली बुक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है मैंने, टाइप वन क्वेश्चंस, तो यानी कि टाइप वन इसमें आपको देखना है टाइप वन कहाँ पर है, ठीक है। टाइप वन भाई आपका ये रहा, और जो मैंने ये 22% लिख रखा है ना, ये यही चीज़ है। तो टाइप वन है, आप 22% आप कवर कर लोगे, टाइप वन आपने कवर कर लिया। केवल मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो भाई इसमें टाइप जो दे रखे हैं मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। जो पहला वाला आपका चैप्टर दे रखा है उसमें टाइप्स दे रखे हैं, टाइप वन 22% दे रखा है ना, तो यही मैंने यहाँ पर 22% लिख दिया है। अगर आप इसको कवर कर लोगे तो आपको ये एंशियंट हिस्ट्री का आपको एक 22% पार्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं, टाइप टू आ जाता है, टाइप टू 14%, ठीक है। इसके बाद देखो टाइप थ्री 26%, टाइप फोर 10%, इनके हिसाब से पेज नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पर जो आपको थ्योरी वाली बुक में से पढ़ने हैं, और जो MCQs वाली बुक है वो इसके क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं किस टाइप में से आपको कवर करना है उनको, ठीक है। अब क्या होता है ना, हम मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं सिलेबस करने के बाद, GS को कोई नहीं देखता, लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। GS में आपको थ्योरी करनी है प्लस MCQs करनी, थ्योरी भी वही पढ़नी है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आप हर बुक से नहीं पढ़ सकते, आपको वही बुक चाहिए जिसमें आपको कॉन्साइज वे में दे रखा हो, जैसा SSC पूछती है उसी वे में दे रखा हो, ज़्यादा डीप में ना हो और ज़्यादा भी आपका शॉर्ट में ना हो, जितना ऐसा ना हो ऊपर से जाए। तो ये मतलब परफेक्ट एक बुक आपके लिए हो जाती है, ठीक है, ये जनरल नॉलेज की।
मेरे हिसाब से। और इसके बाद भाई ये MCQs वाली है, ये मतलब आपकी एक फिनिशिंग देगी, ठीक है। अगर आप इसमें क्वेश्चन जो MCQs हैं वो गलत भी करोगे, फिर आप उसे देखोगे इसका सॉल्यूशन, आप अगर ज़िंदगी में कोई कभी भी आ जाए वैसा क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करके आओगे GS में। अभी MTS का एग्ज़ाम आ रहा है, CPO का आ रहा है, CGL का आ रहा है, ठीक है भाई। जो भी इंटरेस्टेड हैं कि हाँ भाई मुझे GS में अच्छा स्कोर करना, और MTS में तो भाई GS और इंग्लिश का ही खेल है पूरा। GS में अगर अच्छा स्कोर कर लिया और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया, आपका सिलेक्शन वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई MTS वाले खासकर बच्चे, उनको तो भाई करना ही करना है GS का पार्ट, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद में जैसे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, तो भाई जो मिडिवल हिस्ट्री है उसका 3% ओवरऑल वेटेज दे रखा है, ठीक है, SSC जो GS पूछता है। अब आप सोचोगे तो भाई बहुत कम है, तो भाई बहुत कम नहीं है, ये जितने भी एग्ज़ाम हुए सारे एग्ज़ाम्स का एकदम निचोड़ बना के तैयार किया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगी है। अब जैसे इसमें अभी देखो टाइप वन क्वेश्चन दे रखा है, वेटेज कितना 46%, यानी कि लगभग 50% यहाँ से कवर हो जाएगा अगर आपने जो मिडिवल हिस्ट्री का केवल टाइप वन कर लिया। आप थ्योरी यहाँ से करोगे पेज नंबर 62 से 75 से, और यहाँ से आप MCQs लगाओगे टाइप वन वाले, तो केवल टाइप वन वाले MCQs लगाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मेरा 50% पार्ट यहीं से कवर हो जाएगा मिडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। टाइप टू, केवल टाइप टू और है इसमें, 52% ये दे रखा है, ठीक है। 76 to 88 पेज नंबर पे जाओगे तो टाइप टू का आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। जैसे कि आप इस बुक में देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, मिडिवल हिस्ट्री वाला ये आपका यहाँ से आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो 62 पेज नंबर से, ठीक है। अब ये लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं तो पेज नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब देखो भाई ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट, जैसे मैं खोलता हूँ पेज नंबर 52, यहाँ पर ये पार्ट खोल रखा है मैंने। अब देखो भाई इसमें ये जगह जगह पर आपकी बुक में ये ग्राफ्स दे रखे हैं सुंदर सुंदर, जहाँ से आपका पार्ट पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से, हाईलाइट भी कर सकते हो। जैसे देखो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं, मैंने सारी बुक ये कर रखी है तो पढ़ रखी है, इसीलिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा आप लोगों को, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर भाई आप ये मिडिवल हिस्ट्री आ गई, मिडिवल हिस्ट्री में टाइप वन आप जाओगे, ठीक है। टाइप वन जैसे 37 पेज नंबर में खोलता हूँ, ठीक है, ये 37 पेज नंबर में मैंने टाइप वन खोल लिया, इसके क्वेश्चंस कर लूँगा, सारे प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसको करने के बाद भाई एकदम आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आसपास से भी तो आप करेक्ट कर गया होगे उसे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ये आपको भाई टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसकी लिंक ये डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब ये दोनों बुक्स भाई कहाँ से लें, ऑथेंटिक बुक्स, तो मैं इन दोनों बुक्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन दोनों बुक्स का लिंक, जिसको भाई लेना है फटाफट से ले लो, टाइम है नहीं, इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, उसके बाद आपके धड़ाधड़ पेपर आने ही आने हैं, ठीक है। जिसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया ना, उसका नोटिफिकेशन आके कब एग्जाम हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे SSC MTS वाले बच्चों की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं, समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। ऐसी आर्ट एंड कल्चर का दे रखा है 5% ओवरऑल वेटेज, ठीक है। ऐसी 10% ओवरऑल भाई इंडियन पॉलिटी एंड जनरल गवर्नेंस ये वाला दे रखा है, ठीक है। और देखो टाइप्स वाइज मैंने ये यहाँ पर बांट रखा है, ठीक है, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं और पेज नंबर भी इसमें दे रखा है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का 4% आ गया यहाँ से, तो भाई ये सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ें जो करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भाई सारा ही यहाँ पर आपको कवर करके दे रखा है, ठीक है। और यही था इस वीडियो में, और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो बुक है ना भाई, ये भाई देखो वन लाइनर अप्रोच रखती है, यानी कि इसमें हाईलाइटेड पॉइंट आपको दे रखे होंगे। देखो मैं कोई भी खोल लेता हूँ, बुलेटिन ये पॉइंट दे रखे हैं, केवल आपको इनको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कब मैंने पढ़ लिया और कब ख़त्म हो गया मेरा टॉपिक। और लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है, तो आप इनको कर लो। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो मतलब डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में देखो ये सम ज्योग्राफिकल सुपरलेटिव्स, यानी कि जो भी वोल्केनोज वगैरह हैं, चीज वगैरह हैं, सबसे बड़ा छोटा, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और इसके अलावा देखो ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। और जो ये PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। आशा है अच्छी वीडियो लगी होगी, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो बनता ही है, अगली
वीडियो इससे भी शायद बेहतरीन हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो सब्सक्राइब जरूर करके यहाँ चैनल को। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।